नहीं, रक्षाबंधन में क्या, हम लोग तो पहले जो वर्दी पहन लिए थे हम लोग हो गए फौजी, राइट। तो हमें पहला हमारा फर्स्ट सेवा है देश की सेवा। बॉम्बे सरकार के सारे बहादुर जवान खुश है, सरहद पर जाकर आप देश की रक्षा करोगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको बताया कि हमने इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया था विद द इंडियन आर्मी, जो ऑर्गेनाइज किया था बाय ध्रुव फाउंडेशन। उन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन प्लस फ्रीडम राइड रखी थी सदर्न कमांड पुणे एंड नेशनल वॉर मेमोरियल से जो स्टार्ट हुई थी। सो आज रक्षाबंधन है, तो उस ओकेजन पे ध्रुव फाउंडेशन हर साल इंडियन आर्मी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 200 प्लस लेडीज होती है एंड पूरे आर्मी मैन होते हैं। ऑलमोस्ट 400 लास्ट ईयर थे, तो इस साल भी वो डिजिट सेम रहेगी या ज़्यादा होगी वो हम जाके देखेंगे। बट ये एक मतलब एक नेशनल इवेंट होता है, जहाँ पे मतलब इंडियन आर्मी के साथ आप वो इवेंट सेलिब्रेट करते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो हम जा रहे हैं अभी बॉम्बे सैपरर्स, तो जाके पूरा इवेंट देखते हैं। ये वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये इट्स विद द इंडियन आर्मी, सो एंड तक देखना, और जो चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर देना। सो जाते आगे अभी। नमस्ते एवरीवन, मैं रूपाली साई खेड़कर, ध्रुव फाउंडेशन की अध्यक्ष। हम लोग ये जो यहाँ पे आज आए हैं सोल्जर्स के अंदर प्रीमाइसेस में बॉम्बे सैपर्स में, रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग अपने रक्षक भाइयों के साथ में मनाना चाहते हैं। और लास्ट 6 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम बहुत बड़ी प्रमाण में मना रहे हैं। हमेशा 700 से 800 सोल्जर्स भाई और कुछ 1000-1200 महिलाएँ आती थी, अब कोविड काल में फिर भी हम यहाँ पे 500 लोग उसमें भी जमा हुए हैं। हमारे साथ है अजित सर, आज रक्षाबंधन है सर। सबसे पहले आपको जय हिंद। जय। और सर रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। कैसे लग रहा है सर, लाइक इतनी सारी महिलाएं आती है यहाँ पे एंड लाइक आपके साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? हम लोग फीलिंग यही आता है हमेशा कि हम लोग तो हमेशा देश के लिए सोचते ही है, और हमें सबसे बड़ा गर्व की बात है कि सिविल से आके हम लोग को राखी बांध रहे हैं हम लोग को, और ये हमारे गर्व की बात है। सिविल से भी जो महिला है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय हम लोग के लिए निकाल के आई है। ऐसा कीमती समय कि एक फौजी को हमेशा छुट्टी नहीं मिलता है हर एक जगह सेलिब्रेट करने का, ये रक्षाबंधन। तो आप लोग के जो ध्रुवा फाउंडेशन के तरफ से ये जो कार्य किए गए हैं बहुत ही एकदम स्वाभाविक कार्य है, बहुत ही एकदम ऐसा कार्य उसका हम लोग उल्लेख नहीं कर सकते हैं। और तो सर, ये हमेशा मतलब हम लोग का बड़कपन है और आप लोग का भी बड़कपन है, जो आप लोग एक कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, हमारे लिए सोचिए। राइट। और सर एक पर्सनल सवाल होगा। यस। आप आपकी सिस्टर होगी। यस यस, पक्का। राखी बड़ाई में मिलना होता है या मतलब कैसे होता है? नहीं, रक्षाबंधन में क्या, हम लोग तो पहले जो वर्दी पहन लिए थे हम लोग हो गए फौजी, राइट। तो हमें पहला हमारा फर्स्ट सेवा है देश की सेवा, कंट्री सर्विस फर्स्ट सर्व। तो इस कारण क्या हम लोग कभी रहते हैं, ऐसा नहीं बात है कि नहीं जाते, कभी छुट्टी पे गए रक्षाबंधन में, अपने भी घर में गए हैं, सेलिब्रेट किए हैं, बट क्या हमेशा छुट्टी नहीं मिल पाता है हर एक चीज़ को, सभी को लेके चलना, क्योंकि हमारा जो फौज एक ऑर्गेनाइजेशन है सबको देख के चलना पड़ता है। तो हमेशा हम लोग नहीं उपस्थित रह पाते, जिसके वजह से आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। ऐसा फीलिंग कुछ कहने का नहीं, उसका अंदाज़ा हम आपको बता नहीं सकते। राइट। सो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार, जितना हमें लगता है उतना ज़्यादा, मतलब हमारे देश के जो रक्षक है पूरे, जिनकी वजह से हम सलामत है,
अब सर हम हमेशा करने की कोशिश करेंगे और करते ही रहेंगे. सो गाइज अभी बढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं. जय हिंद सर. जय हिंद. थैंक यू वेरी मच. So guys, chief guest is here and he's driving his own car.
कांग्रेस नेतृत्व के सारे बहादुर जवान सरदार साहिबान और अफसर साहिबान की ओर से मैं ग्रुप फाउंडेशन का रूपाली मैडम का आज के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने घर का कोहबार संभाल के यहाँ पे आके हमारे साथ रक्षा बंधन का त्यौहार मनाने का एक विचार बनाया और यहाँ पे आपको समझा। थैंक यू वेरी मच। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे संस्कृति में कितना ज्यादा मायना रखता है हर सब जाते हैं और ये हमारे जितने भी बहादुर सैनिक अपने घरों से दूर यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि इसके बाद वो सदा के साथ अपनी पूरी निभा सके, अपने घर को अपने समाज को अपने देश को बचाने के लिए सदर पे टिके रहे। इंडियन आर्मी इज मेंट फॉर एंड इज बिकॉज ऑफ अफेक्शनेट सिटीजंस लाइक यू। थैंक यू वेरी मच। By my passion in life, I am a model, also Mrs. Universe Australasia. And by my life purpose, I am a certified life coach, a mind skills trainer and a mindfulness practitioner. So it's been a pleasure being a part of this Raksha Bandhan ceremony today with all the elite soldiers. They are our friends, they are our brothers who protect us throughout. And the one thing that I have learned in today's event is that determination, dedication and discipline are a must in your day-to-day life. So please friends, do follow these all three D's on the day of Raksha Bandhan. It's been a pleasure and honor to be a part of this ceremony and I truly respect and trust these soldiers. Jai Hind. Guys, with us is Tania and she is the volunteer member of Dhruv Foundation. So Tania, how was your experience? It was a very surreal experience because I have never experienced something like this before, and coming here there is a very patriotic feeling that I'm getting, and it's so sad that these people, they're serving us and we can't provide them what they actually need. And right now we are doing this Raksha Bandhan ceremony and it's the most, I think it's a very emotional time for all of them as well, because they don't get to do that with their families. And they are far away from their family and been like almost 6-7 months they visit their homes once, that too for a short period of time. Yeah, exactly. So would you like to be this part of this event next year as well? Yes, obviously. And I would love to be a part of this. Is this your first year or you have been? Yeah, this is my first year. Okay. So, Jai Hind. मुझे ना फर्स्ट टाइम किसी ने राखी बांधी है भारती में, सो भारती दी, भारती दी, क्योंकि मुझे तो बहन नहीं है, आपको सबको पता है मेरे ब्लॉग जो देखते हैं हमेशा उनको पता है कि मुझे बहन नहीं है। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि यहाँ पे आके मुझे लाइक आई हैव गॉट माय सिस्टर, सो थैंक्स अ लॉट दीदी। थैंक यू ब्रदर। मेरे भैया भी नागपुर में और आपने मैंने देखा कि आपके हाथों में नहीं है और लगा कि चलो आपको भी बांध। गाइस मेरे साथ कुछ आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं सरहद पे, सो आज राखी हो गई है, इनको राखी बांधी है सबने। सो सर कैसे लग रहा है, हाउ इज द फीलिंग?
बहुत ही अच्छी फीलिंग है, आज हमको हमारे घर जैसा फील हो रहा है यहाँ पे। राइट, फौज में भी रहते हैं पर आज हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। घर को मिस किया आपने, घर की याद आई? घर मिस किया, बट अभी आप सब लोगों के बीच आने के बाद घर की उतनी ज़्यादा याद नहीं आ रही है, और अभी आप लोगों के साथ इन्जॉयमेंट और सबके साथ आगे का फंक्शन सेलिब्रेट करना बहुत ही प्राउड हो रहा है हमको अपने आप, क्योंकि घर से इतना दूर रहना और इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, हर टाइम छुट्टी नहीं जा पाते, हर त्यौहार को घर पर नहीं मना पाते, तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है आप लोगों के बीच मनाने का मौका मिला है, बहुत ही बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू। Chinmay is going to send me Rakhi and I'm waiting for that. वो मेरी YouTube family है जिसने मुझे like she asked me for a number and then now she is sending me. I'm waiting for that Rakhi and super excited. And उसी के साथ अभी यहाँ पे breakfast चालू है सबके लिए, so all the soldiers are here and सबके चेहरों पर बहुत खुशी है। My experience was wonderful and nothing like celebrating the Raksha Bandhan at Bombay Sappers, and a tribute and salute to all our lovely officers and soldiers. We have come here to tie the Rakhi. God bless them with long life and prosperity, and thank you again for serving us and protecting us on the border, on the nation. Stay blessed and happy Raksha Bandhan to all of you all, and congratulations to Dhruv Foundation for organizing such a lovely celebration of Raksha Bandhan. Thank you. Jai Hind. So guys, definitely आपको ये vlog पसंद आया होगा, क्योंकि आर्मी एरिया में जब भी जाता है ना बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है, लाइक मैं वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स लाइक समथिंग अप, वी आर डूइंग समथिंग पेट्रियाटिक, एंड आगे भी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं जैसे आपने देखा व्लॉग में। सो विक्ट्री बैटल आने वाला है पुणे में, सो उसके लिए आप ज़रूर आना, प्लस ध्रुव फाउंडेशन के मेंबर बनना है तो सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और कमेंट करना जय हिंद। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।